नमस्कार मित्रों, अक्षर डिजिटेक में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम पावर पॉइंट में ब्रोकन टेक्स्ट इफेक्ट क्रिएट करना सीखेंगे। हम पावर पॉइंट ओपन कर लेते हैं। ये पावर पॉइंट का हमारे पास 365 वर्जन है। सबसे पहले इस स्लाइड के हम ये टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट कर देते हैं, स्लाइड को ब्लैंक कर लेते हैं। इधर रिबन बार में इंसर्ट में आते हैं और एलिस्ट्रेशन में ये शेप्स, और शेप्स में हम टेक्स्ट बॉक्स टूल लेते हैं और यहाँ एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर लेते हैं। इसमें हम टेक्स्ट के लिए हम एरियल ब्लैक फॉन्ट ले लेते हैं और टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट ही हम टाइप कर लेते हैं। इसका साइज हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट होल्ड किए हुए और ये ग्रेटर देन प्रेस करते जाते हैं, इसका साइज बड़ा होता जाता है। साइज पर्याप्त है और इसको सेंटर में हम सेट कर देते हैं। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इस पर राइट क्लिक करते हैं, कट कर देते हैं और यहाँ रिबन बार में पेस्ट, पेस्ट स्पेशल और पिक्चर पीएनजी। ये पिक्चर फॉर्म में पीएनजी में पेस्ट हो गई है। अब हम पिक्चर फॉर्मेट में आते हैं और इसको क्रॉप कर लेते हैं। जो ब्लैंक एरिया है उसे हम क्रॉप कर देंगे। इसको हम क्रॉप कर लेते हैं इसको थोड़ा ऊपर खिसका देते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं इसके बराबर। अब यहाँ इंसर्ट में आते हैं और शेप्स और रेक्टेंगल टूल लेकर के इसके बराबर हमें रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं और इस रेक्टेंगल को नीचे ले आते हैं। अब हम फिर इंसर्ट में आएंगे, शेप्स में और यहाँ लाइंस में ये फ्री फॉर्म शेप है, इसको सेलेक्ट करते हैं और इसमें हम शेप्स ड्रा करेंगे। ये इस तरह से शेप्स ड्रा कर लेंगे। कलर हम थोड़ा अलग भरते हैं जिससे पता चले ये हमने ड्रा कर लिया। इसी तरह से हम विभिन्न आकृतियों को बना करके और इस पे हम पूरे रेक्टेंगल पे ड्रा कर लेंगे। हम वीडियो के स्पीड को बढ़ा देते हैं जिससे वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अब ये रेक्टेंगल पूरी तरह से कवर हो चुका है। इसके बाद हम इसके साइज को थोड़ा सा, स्लाइड के साइज को थोड़ा छोटा करते हैं और इसको पूरा हम सेलेक्ट कर लेंगे। रेक्टेंगल से जितने भी शेप्स बने हुए हैं इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इधर है शेप फॉर्मेट में, इधर मर्ज शेप्स और इधर यहाँ पर है फ्रैगमेंट। ये फ्रैगमेंट हो गया। अब हम जितने भी शेप्स हैं रेक्टेंगल के बाहर उसको सबको हम डिलीट कर देंगे। यहाँ भी हम स्पीड बढ़ा देते हैं। ध्यान रहे कि रेक्टेंगल के अंदर का कोई भी शेप डिलीट न होने पाए।
ये डिलीट हो गया है। अब हम फिर एक बार पूरा हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ शेप फॉर्मेट में आएंगे और शेप फिल में यह है शेप आउटलाइन, तो यहाँ पर हम नो आउटलाइन कर देंगे। हम देख रहे हैं कि बहुत हल्की हल्की सी वाइट धारियाँ हैं। अब हम इसको पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं और इसको ग्रुप कर लेते हैं। अब टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं और रेक्टेंगल शेप को हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ शेप फॉर्मेट में, शेप स्टाइल्स में यहाँ हम क्लिक करते हैं, यहाँ फिल, फिल में पिक्चर और टेक्सचर फिल। उसके बाद यहाँ पर पिक्चर सोर्स हमने अभी कॉपी कर रखा है, क्लिपबोर्ड पे हम। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत मेन मेन वाइड धारियाँ बनी हुई हैं। यहीं से ये टेक्स्ट ब्रेक हो गया है। इसका साइज़ बढ़ा करके हम देख लेते हैं, ये इसको चाहे तो हम अलग कर सकते हैं, ये देखिए। तो इस तरह से ये शेप ब्रेक हो जाता है। अब हम इसका साइज़ छोटा कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम ब्रोकन टेक्स्ट इफेक्ट पावर पॉइंट में क्रिएट कर सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे भविष्य में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।